हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक अजीब सी, नॉट अजीब लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ दिखाने के लिए, जो कि आपने शायद पहले देखी होगी कि नहीं देखी होगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो दोस्त, ये मैं देखने जा रहा हूँ आज, एक ब्रिज होते हैं यहाँ पे जो नदी के ऊपर या नालों के ऊपर बनाए जाते हैं, और ये ब्रिज जो हैं ये पूरे कवर्ड होते हैं। अब ये कवर्ड क्यों होते हैं वो मैं आगे बताता हूँ, तो देखते रहिए। दोस्त, ये बहुत पुराने ब्रिज हैं और काफ़ी सालों पहले बनाए गए थे, जो कि उसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो पहले जो पुल बनाए जाते थे नदियों के ऊपर, वो लकड़ी के बनाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त तो इतना इन्वेंशन हुआ नहीं था कि सीमेंट और लोहे को लेके बनाया जाए, लेकिन काफ़ी सेफ और अच्छे होते थे लकड़ी के ब्रिज ये। तो लकड़ी के ब्रिज जब इन्होंने बनाए, तो उसके बाद काफ़ी सालों बाद वो लकड़ी ख़राब हो जाती थी डिफरेंट वेदर के कारण, बर्फ़ गिरती थी, धूप पड़ती थी, उसके कारण ज़्यादा चल नहीं पाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो लकड़ी के ब्रिज थे, इसके ऊपर एक छतरी सी बनानी शुरू कर दी, कवर्ड कर दिया इनको बेसिकली, ताकि इसकी जो लकड़ी है, इसके जो नीचे के जो पुल के नीचे लकड़ियाँ लगाई गई हैं पिलर्स वगैरह सपोर्ट के लिए, वो सेफ रहें। और ऐसा करने के बाद ये पता चला कि जो ब्रिज जो थे, जो 20 साल चलते थे, 15 साल चलते थे, ये ब्रिज को कवर करने के बाद अब 100 या 200 साल तक भी चल सकते हैं। तो दोस्त, ये जो ब्रिज बनने शुरू हुए थे कवर ब्रिज, इनमें से सबसे पुराना ब्रिज है, जो सबसे पुराना, जो कि बना था 1825 में, 1825 में, और ये इसका नाम है हाइड हॉल ब्रिज, जो कॉपरस्टाउन न्यूयॉर्क में स्थित है। और दोस्त, जो सबसे लंबा ब्रिज है उसका नाम है कॉर्निश विंसर कवर्ड ब्रिज, जो कि न्यू हैम्पशायर जो वर्मोंट के पास है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसका टोटल लंबाई है 460 फीट। ओके, और ये कंप्लीट हुआ था 1866 में। तो ये सबसे लंबा ब्रिज है दोस्त। दोस्त, मैं आपको एक ऐसी रोड पे लेके चल रहा हूँ अभी, जहाँ पे कंटिन्यूसली तीन ब्रिज आते हैं, और उनमें से एक ये है, ये थोड़ा लंबा है और जिसमें से गाड़ी एक ही जा सकती है बीच में से, और ये है दूसरा ब्रिज, और उसके बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग भी थी जहाँ पे कोई गेट और फाटक नहीं था। तो हमको देखना पड़ता है कि ब्रिज के आगे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही होती है तो हमको उसको रास्ता देना चाहिए, और जब वो गाड़ी गुजर जाएगी आपके पास से, तो आप उस ब्रिज से जा सकते हो। और आगे जाने के बाद एक और ब्रिज आएगा, बिकॉज इस रोड पे कंटिन्यूसली तीन ऐसे ब्रिज हैं जो मैंने सुना था, और आगे एक और ब्रिज आने वाला है। ये रहा, ये भी बिल्कुल वैसा ही ब्रिज है दोस्त, जिसमें से खाली एक ही गाड़ी जा सकती है। तो हमको देखना पड़ता है आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसको रास्ता देना और निकल जाना। ओके दोस्त, तो ये था आज का सफ़र मेरा आपके साथ कवर्ड ब्रिज देखने का, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में लिख के। आपने ऐसा ब्रिज पहले कभी देखा है कि नहीं देखा वो भी बताना, और देखते रहिए दोस्त, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट में डालने वाला हूँ, वो थोड़ा और भी रोमांचित और अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग।